बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज के गेट पर 13 दिनों से किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इन किसानों ने मेडिकल कॉलेज के लिए अपनी जमीनें दी हैं और वायदे के मुताबिक सरकार से नौकरी की मांग की जा रही है। इन किसानों का कहना है कि इन लोगों से जिले के सांसद धर्मेंद्र यादव, तत्कालीन जिलाधिकारी ने वायदा किया था कि मेडिकल कॉलेज को जमीन देने वाले परिवार से एक सदस्य को नौकरी मिलने के साथ ही जमीन का 4 गुना मुआवजा भी दिया जाएगा। हालांकि कोई वायदा पूरा नहीं किया गया। अब किसान अपने साथ हुए इस धोखे से बेहद परेशान है। राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि किसानों को उनकी जमीनों का पैसा दे दिया गया है और जल्द ही संविदा पर नौकरी भी दी जाएगी। इस अस्पताल का उद्घाटन तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने किया था। वायदा सर्किल लेट के 4 गुना जमीन का वायदा किया था और जिस परिवार की जमीन जाएगी उस परिवार के लिए एक नौकरी दी जाएगी। एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ अब तक। क्या कहता है प्रशासन की उच्च अधिकारियों से बात हुई कि हम आगे के लिए कार्रवाई बढ़ाएंगे? जो भी आता है वो यही कहता है। जमीनें ले गई हमारी तो तहसीलदार एडीएम साहब और डीएम साहब कानीगो साहब सबने जा कही कि तुमको नौकरी मिल जाएगी और साहब जमीन दे दो थोड़ा आप मामजा मिलेगा तो होता है, वो नहीं मिला और नहीं नौकरी मिली हमें। हम लोगों को नौकरी का वादा किया गया था, 4 गुना मुआवजा देने का वादा किया गया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग धरने पे बैठे।